बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे यूट्यूब चैनल के सामाइन नाज़रीन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ऐसे ही खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। मेरे प्यारे भाइयों, आज का नुस्खा उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिन लोगों को मनी बिल्कुल पानी की तरह पतली हो गई है। जो भाई हमारे कमज़ोर हैं, लूज़ इरेक्शन है या इरेक्टाइल डिसफंक्शन की शिकायत है या टाइमिंग की शिकायत है या उनको चिपचिपा पानी एकदम से आ जाता है, उसके बाद लूज़ इरेक्शन हो जाता है और मॉर्निंग में भी इरेक्शन नहीं आता। हफ्तों गुजर जाते हैं कि हम बिस्तरी की तैयारी नहीं हो पाती, हम बिस्तरी को दिल ही नहीं करता, एक बार करके दोबारा करने का मन ही नहीं होता, इच्छा ही नहीं होती, तैयारी नहीं होती। तो इन तमाम बीमारियों के लिए नुस्खा लेकर के हाजिर आया हूँ। मेरे भाइयों, ये नुस्खा शादीशुदा लोगों के लिए है आज का, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। शादीशुदा लोग इसको इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने बिगड़े हुए काम को बना सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में खुशहाली पैदा कर सकते हैं। आइए नुस्खे की तरफ आइए। नुस्खा क्या क्या चीज़ है नुस्खे में और कैसे इस्तेमाल करना है वो आप सुन लीजिए। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, आपको सबसे पहले लेना होगी गोंद कीकर। सबसे पहले आप ले लीजिएगा गोंद कीकर 30 ग्राम। उसके बाद में आप ले लें कीकर की फली 30 ग्राम। उसके बाद में आप ले सकते हैं सब्ज़ इलायची 30 ग्राम, मूसली सफ़ेद 30 ग्राम, मूसली सियाह 30 ग्राम, बूफली 30 ग्राम, बहमन सफ़ेद 30 ग्राम, बहमन सुर्ख 30 ग्राम, बीज बंद 30 ग्राम और तुख्मे तमर हिंदी 30 ग्राम। ये सामान आप ले लें, पंसारी की दुकान से ले आइए, देसी जड़ी बूटियाँ जहाँ मिलती हैं, अच्छा माल लाइए, ओरिजिनल लेकर के आइए। और ये ला करके आप इन तमाम दवाओं की बूटियों को साफ़ कर लें, कपड़े किसी चीज़ से साफ़ करके इनको कूट लें और पीस लें, बारीक पाउडर बना लें, फिर उसके बाद में उसको कपड़े छन कर लें, यानी कपड़े में छान लें। अब ये पाउडर जो बचा हुआ, जो पाउडर आपने निकाला है कपड़े में छान कर, और इसका फजला जितना भी है, इसका कूड़ा कबाड़ा फजला, उसको फेंक दें और पाउडर को महफूज कर लें, डब्बे में रख लें और उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अब इस्तेमाल कैसे करना है, 3 ग्राम सुबह खाली पेट और 3 ग्राम रात को सोते टाइम गाय के नीम गर्म दूध के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नुस्खा आप कम से कम 1 महीना इस्तेमाल करें, 30 दिन से 40 दिन तक इसको इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएं। मेरे भाइयों, कुछ हमारे भाई ऐसे भी होते हैं कि उनकी फैमिली लॉन्ग होती है, फैमिली में बहुत ज़्यादा अफराद होते हैं, बहुत ज़्यादा व्यक्ति होते हैं, बहुत भीड़ भाड़ रहती है, घर में बहनें रहती हैं, भाई रहते हैं और माँ बाप भी रहते हैं, और शादी आपकी हो गई है, बीबी भी रहती है, तो आप दवाई बनाएंगे तो आपको दिक्कत आ सकती है। अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो आप इस दवा को हमारे पास से भी बनवा सकते हैं और ये दवा आप किसी हकीम से तैयार कराएं। अगर हमसे भी ना बनवाएं तो किसी हकीम से बनवा लें, और अगर आप चाहें तो हमारे पास से भी ये दवा आपको मिल जाएगी। इस बीमारी की और भी दवाएं हमारे पास बहुत मौजूद हैं। नाइट फेल की दवा हमारे पास मिलती है, धात की दवा, चिपचिपा पानी की शिकायत अगर आपको है, आपके घर में आपके बीवी को लिकोरिया की बीमारी है, सफ़ेद पानी आता है, तो इन तमाम बीमारियों की दवा हमारे माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएंगी। इंडिया में जहाँ भी आप चाहोगे, हिफाजत के साथ आपकी दवा पहुँचा दी जाएगी, पहुँचाने का कोई ख़र्चा आपसे नहीं लिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ भाइयों, ये बातें आपकी समझ में ज़रूर आई होंगी, अमल करके आप ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे, नाचिस को दुआओं में याद रखेंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।